डबल फिगर में किसी कोई भी बैट्समैन नहीं जा सका, एज ए कैप्टन भी नहीं होंगे क्योंकि उनके यहाँ बेबी की आमद है, डैडी बन रहे हैं विराट कोहली, मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की। और मैंने कल आपको बताया था कि इंडिया ने पहली इनिंग में बड़ा अच्छा खेला, बहुत एक्सीलेंट बैटिंग भी उन्होंने बड़ी अच्छी की और बॉलिंग भी, उन्होंने बॉलिंग में बहुत कमबैक किया। एक टाइम था कि लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी 125 और 30 रन पे आउट होगी, मगर उनके कैप्टन टिम्पे ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की और नॉट आउट 73 रन बनाए। इंडिया सेकंड इनिंग में मैंने ये भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की ऐसी टीम है जो कभी भी हार नहीं मानती, चाहे 100 बॉल पे एक रन चाहिए हो तो वो उसको वो चाह रहे होते हैं कि 5, 6, 7, 8 बॉलों के बाद ही एक रन बने, और उनका बड़ा पॉजिटिव और अग्रेसिव मूड होता है क्रिकेट में, और चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हर एक में वो ऐसे ही खेलते हैं पॉजिटिव और अच्छे। और एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि इंडिया के कल तो खैर 9 पे एक रन एक आउट हो गया था, तो मुझे लग रहा था कि ये कोई 200 रन अगर इन्होंने बना लिए इस सेकंड इनिंग में तो ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मगर इंडिया की टीम तो रेत की ढेर की तरह साबित हुई है, बिल्कुल ही नीचे गिर गई। और इंडिया का कम तरीन स्कोर, लोहेस्ट तरीन स्कोर इन टेस्ट क्रिकेट में इंडिया ने बनाया। इससे पहले इंडिया की टीम का सबसे कम स्कोर 42 रन था। क्रिकेट हिस्ट्री की बात की जाए तो फोर्थ लोहेस्ट टेस्ट स्कोर इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में टेस्ट क्रिकेट का सब चौथे नंबर पे सबसे कम स्कोर है इंडिया ने किया, और सेकंड टीम ऐसी है जिसने मतलब कि डबल फिगर में किसी कोई भी बैट्समैन नहीं जा सका, मतलब कि दुनिया की सेकंड ऐसी टीम है जिसका कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर में नहीं जा सका। ये सूरत हाल थी इंडिया के मैच की, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आए तो उन्होंने ये मैच 8 विकेटों से जीता, 93 रन का टारगेट था जो उन्होंने चेज डाउन कर दिया और मैच ख़त्म हो गया। विराट कोहली 11 मैच हार गई, पहला टेस्ट मैच, पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जब T20 आया तो इंडिया ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी T20 में, एक वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीत गया, T20 सीरीज इंडिया जीत गया। अब टेस्ट मैच पहला शुरू हुआ तो पहले टेस्ट मैच में बुरी तरह शिकस्त हुई इंडिया को, और कोई भी खिलाड़ी बड़े बड़े नाम कोई भी जमकर नहीं खेल सके और मैच हारे। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, इसको ज़रा भी इजी लें तो ये आपके ऊपर पड़ जाती है, और ऐसा ही हुआ, और इंडिया की बैटिंग भी पाकिस्तान बैटिंग की तरह बिल्कुल फ्लॉप गई। और 65 साल में, आज से 65 साल पहले कोई ऐसी टीम थी जिसने कम स्कोर किया, 65 साल में सबसे कम स्कोर बनाने वाली टीम भी इंडिया की टीम बनी है इस दफ़ा। और अगले मैच में विराट कोहली आपको नहीं मिलेंगे, जो आधी टीम का पलड़ा उन्होंने उठाया होता है, और वो एज ए कैप्टन भी नहीं होंगे क्योंकि उनके यहाँ बेबी की आमद है, डैडी बन रहे हैं विराट कोहली, मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन इनको विराट कोहली को, और खैरियत से इनका जो मरहला है वो गुजरे, और उसकी जगह रेहाने कैप्टनसी कर रहे हैं, और अगले 3 मैच के लिए जे रेहाने कैप्टन बनेंगे इंडिया की टीम के टेस्ट कैप्टनसी। और रोहित शर्मा वापस विराट कोहली की जगह वापस आए हैं, और अनदर गुड प्लेयर, मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छा खेलते हैं, और देखते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में आने वाले मैचेस में क्या करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त ऑस्ट्रेलिया को मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑस्ट्रेलिया टीम को। कल का मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का भी है, और मेरी बेस्ट विशेज पाकिस्तान टीम को जो कल के मैच में कम बैक करे और सीरीज़ को 1-1 से बराबर करे, और जिस तरह पिछले मैच में पाकिस्तान टीम खेली है बिल्कुल मैं नहीं चाह रहा कि इस तरह खेले, पॉजिटिव और अच्छी बैटिंग और बॉलिंग का मजा करें। हमारी टीम बड़ी बैलेंस है, स्पेशली अगर T20 की बात की जाए
तो हमारी टीम को माना जाता है कि ये एक बड़ी अच्छी टीम है, मगर अनप्रोटेक्टेबल टीम नहीं बनना हमें इसमें, कभी हारे या एकदम हार गए या एकदम जीत गए। अब जैसे इंडिया खेलती है और कमी बहुत कम ही ऐसा मौका आता है कि वो इतने कम स्कोर या इतनी जल्दी आउट हो सके, मगर मोस्टली वो अच्छा खेलते हैं। मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरी टीम भी ऐसी हो। मैच फाइटिंग ज़रूर होना चाहिए, मगर हार जीत तो मैं नहीं इसके ऊपर बात कर सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो टीम अच्छा फाइट करती है वो ज़रूर कामयाब होती है, और यही करके दिखाया ऑस्ट्रेलिया ने। पहली इनिंग में लीड देने के बाद सेकंड इनिंग में उन्होंने इंडिया को तो बिल्कुल एक साइड पर कर दिया, और देखते हैं अब सेकंड टेस्ट में उनके साथ क्या होता है। बट यह कि पाकिस्तान का सेकंड T20 कल है, और मेरी बेस्ट विशेज है शादाब खान को, और मैं चाह रहा हूँ कि टीम में एक आध चेंजिंग ज़रूर होनी चाहिए, इसमें एक बैट्समैन ज़रूर ऐड करें मिसबा। बट जो है कि थिंकिंग उनकी अपनी है, सोच उनकी अपनी। हाँ, अगर आपने छठा बॉलर डालना है तो इफ्तिकार भी बॉल कर सकता है, 2-3 ओवर वो तो कर सकता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ। बट जो है कि बाकी उनकी अपनी चॉइस है मिसबा की और शादाब खान की, जो वो बेहतर समझते हैं पिच की सूरत हाल वहाँ पर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं ग्राउंड के अंदर जो है। मैं तो यहाँ पे अपना तबसरा ही कर सकता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी स्ट्रांग लाइन बैटिंग लाइन जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगी, और जब बैटिंग हमारी अच्छा परफॉर्म करती है तो बॉलिंग बहुत अच्छा डिफेंड करती है, और हमेशा पाकिस्तान की बॉलिंग मैच विनिंग परफॉर्मेंस देती रही है। और बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, काफ़ी पिछले दिनों काफ़ी हो रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग मुझे, बड़े लाइक्स भी आ रहे हैं, फॉलोवर भी बढ़ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें करूँ। आप चाह रहे हैं कि मैं जोक भी थोड़ा सा इसमें डाला करूँ, मगर ज़रूर डालूँगा, मगर अभी जो सूरत हाल है COVID-19 की वजह से आपको पता है कि इनडोर रहना पड़ता है, एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। जब ये एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी तो इंशाल्लाह ताला आउटडोर में मैं इंटरव्यू भी करने जाऊँगा प्लेयर्स के साथ, और आप लोगों को भी साथ ज़रूर बातें किया करूँगा, और बेहतरीन इंटरटेनमेंट आपको ज़रूर दूंगा। ज़रूर मेरा चैनल देखते रहिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।